Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तूर। आज के एपिसोड में हम आपको बहुत सारे इवेंट्स दिखाएंगे, हमारे गेस्ट्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक छोटी सी बात मैं करना चाह रही थी बिफोर वी मूव ऑन विद द शो। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाएं, कोई नई चीज़ सीख लें, या उनकी उनका दिन इस तरह गुजरे कि जब वो रात को सोने के लिए जाएं तो उन्हें कम से कम ये ज़रूर लगे कि उन्होंने अपने दिमाग के लिए कुछ किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो अगर आप रोज़ाना करना शुरू करें तो उसकी वजह से आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा, थोड़ी इंटेलिजेंस में भी इजाफा होगा। फर्स्ट यू हैव टू रीड। अब आप किताबें पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से लेते हैं उसके अलावा भी हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि जो मीडिया पे आपको दिखाया जाता है ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, वो सच का एक पहलू होता है। सो यू नीड टू इन्वेस्टिगेट, यू नीड टू गेट योर ओन इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़, लिखना। पढ़ लेते हैं हम लेकिन हम लिखते नहीं हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी हो, थोड़ी देर के लिए लिखें, जो भी आपका सोच है उसको पेपर पर कन्वर्ट करें। पेंटिंग एंड ड्राइंग। अब जो नई थ्योरी आई है वो ये है कि जो बच्चों के कलरिंग बुक्स नहीं होते थे जिसके अंदर वो सिर्फ कलर ड्राइंग हुई भी होती थी और उसमें आप सिर्फ कलर करते थे, नाउ फॉर अडल्ट्स ऑल्सो, मेरी उम्र के लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि हम कभी कभार कलरिंग ज़रूर करें, बिकॉज इट्स वेरी थेरेप्यूटिक एंड इट फोकसेस योर ब्रेन इन वन डायरेक्शन। इसके अलावा ambidextrous एक अंग्रेज़ी का वर्ड है जिसका मतलब यह है कि आप दोनों हाथ अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली लोग जो होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं तो हम हर चीज़ सीधे हाथ से करते हैं। नाउ फॉर इंस्टेंस अगर आप छोटे से चेंजेस किए करें कि आप टूथब्रश अगर इस्तेमाल करें, हम राइट हैंडेड हैं तो सीधे हाथ से करेंगे, अगर आप लेफ़्ट हैंड से टूथब्रश इस्तेमाल करना शुरू करें तो वो आपके दिमाग के एक ऐसे हिस्से को ट्रिगर करेगा जो हम हर रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करते, एंड सम हाउ इट एक्टिवेट्स दोज पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन दैट वी आर डोंट नॉर्मली यूज़ इन आर एवरी डे डेली रूटीन। एक और चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो है ट्रैवल करना। अपने शहर से दूसरे शहर जाएं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दूसरे मुल्कों में ज़रूर जाएं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि लोगों का कल्चर क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका रहन सहन क्या है। उसकी वजह से जो आपका होराइज़न है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है, आप जो चीज़ जो काम अपने घर में आके कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। सोशल डायरीज़ में मैं साथ साथ इस के बारे में बात करती रहूँगी। राइट नाउ वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन द शो, स्टे फोकस्ड, आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तूर। फैशन पैशन में हम आपको लेकर जा रहे हैं डॉलमेन मॉल कराची में, जहाँ पे एक फैशन शो मुनक्किद किया गया। इस फैशन शो की सबसे अच्छी बात यह है कि डॉलमेन मॉल के जितने भी एग्जिबिटर्स हैं, शॉप्स के लोग हैं, उन्होंने मिलकर ये फैशन शो किया है। सो लेट्स सी व्हाट दे हैव टू ऑफर। यू आर वॉचिंग सोशल डायरीज, स्टे ट्यून्ड।
विंटर्स के हवाले से मैं ये बोलूंगी कि लोगों को पता चलेगा कि विंटर्स के अंदर किस तरीके से कट, किस तरीके से कलर्स चल रहे हैं। और यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है कि ईगो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके छोटे फ्रॉक्स होते हैं विंटर्स के हिसाब से, क्यूट क्यूट से, डेलिकेट से कपड़े होते हैं, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में बहुत तरीके से पहन के जा सकते हैं। हम यहाँ पे 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉलमेन मॉल के। आई एम सो हैप्पी, बचपन से आना जाना रहा है यहाँ पे, काफ़ी यादें यहाँ पे, काफ़ी ब्रांड्स हैं और हम सारे ब्रांड्स सेलिब्रेट करें, जो जो ब्रांड्स हमारे साथ रहे बचपन से लेकर अब तक, हम वो सारे ड्रेसेस पहनेंगे। तो आई एम वेरी ग्लैड कि एज अ मॉडल आई एम प्रेजेंटिंग सारे ब्रांड्स को। आई थिंक बहुत ही एक अच्छी सी न्यू ईयर की स्टार्ट है। इट्स अ गुड किक ऑफ टू द न्यू ईयर, बिकॉज न्यू ईयर सेलिब्रेट करके सब वापस आएँ, सो दिस इज़ अनदर सेलिब्रेशन। प्लस इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे आर गिविंग अवे फॉर एवरी शॉपर, गिफ्ट्स, प्राइजेज, एंड यू नो आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल आर हियर और इट्स अ ग्रेट वे टू स्पेंड द वीकेंड विद योर फैमिली। सो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, बहाना होता है ना खुशियाँ मनाने का। We're like diamonds. आज का हमारा पूरा दिन जो इस शो की प्रिपरेशन में गुजरा वो बहुत अच्छा गुजरा, और जो डिज़ाइनर्स ने पार्टिसिपेट किया है वो बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, उनका कलेक्शन बहुत अच्छा है, कलेक्शन कलर्स बहुत अच्छे हैं, कट्स बहुत अच्छा है, तो आई बिलीव के बहुत अच्छा जाएगा ये शो और लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और वो अपने फैशन स्टाइल को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही दरवाजा है जो कि आज़र के लिए खुलता है बस। वो आपके लिए मुझसे ज्यादा अहम क्यों है? क्योंकि वो मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अंडरस्टैंड करती है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपे, जितना तुम उसके पीछे भागोगी ना वो उतना तुमसे भागेगी। मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी, ये हमारी आखिरी मुलाकात। शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी, शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी। वेलकम बैक। सोशल डायरीज में हम हमेशा एक गेस्ट का इंटरव्यू करते हैं, उनके काम के बारे में आपको बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस अनम फयाज से, जो TV1 का एक सीरियल कर रही हैं जिसका नाम है आदत। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी व्हाट अनम हैज टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस।
मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही दरवाजा है जो कि आसर के लिए खुलता है बस। वो आपके लिए मुझसे ज्यादा अहम क्यों है? क्योंकि वो मुझे तुमसे कई ज्यादा अंडरस्टैंड करती है। इश्क और मश्क छुपाए नहीं छुपे। जितना तुम उसके पीछे भागोगी ना वो उतना तुमसे भागेगी। मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। सुना तुमने, मुझे तुमसे नफरत है। औरत जब किसी मर्द को छोड़ने का फैसला कर लेती है तो उसे रोकना बेकार है। आज तक उसी की वजह से मैं अपने आप को नंबर वन पोजीशन पे नहीं देख सका। पर हाँ, धोखा दे रहा है मिनाल को। सब दाव आजमा कर भी तुम उसको नहीं जीत सकी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूर। हमेशा की तरह आज हम जिस गेस्ट से बात करेंगे, हम उनसे बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम में अपना नाम बहुत आगे बढ़ाया है। जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया था मैं इनसे तब मिली थी एंड शी प्लेड माई लिटिल सिस्टर, सो आई हैव अ लॉट ऑफ फॉन्डनेस, अ लॉट ऑफ लव फॉर हर। मैं बात कर रही हूँ अनम फयाज की। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। मैंने और अनम ने कुछ 8-9 महीने एक साथ काम किया था और ये मेरी सबसे छोटी बहन बनी थी और अनम सेकंड सीरियल था। यस, वो मेरा सेकंड सीरियल था और बहुत मेमोरीज हैं अच्छी अच्छी वैसे। हाँ। बहुत मज़े की, मुझे अभी तक याद है, शायद आपको याद हो कि एक दिन हमारा पूरा दिन काम नहीं हुआ था सेट पे और हम बहुत बोर हो रहे थे तो आपने कहा कि लेट्स गो, मेरे साथ घर चलते हैं। हाँ, खाना खा के आते हैं। करके यस, तो हमने बहुत एंजॉय किया था, मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा था। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। इस बात को काफ़ी अरसा हो गया वैसे। अच्छा अनम, अभी जो TV1 पे आपका सीरियल चल रहा है आदत, जी जी, मुझे बताएं आपने काम किया है लेकिन काफ़ी सिलेक्टिवली किया है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बाय द वे फॉर दैट, क्योंकि आप हर जगह पे नई नज़र आई हैं। एग्जैक्टली। तो इस सीरियल में ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपने सोचा कि स्क्रिप्ट अच्छी है, मैं ये कैरेक्टर कर सकती हूँ या ये मैं कैरेक्टर करना चाहती हूँ? बहुत अच्छा आपका है सवाल और ऐसा ही है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। आलिया बुखारी हैं इसके राइटर और अदनान वाई कुरैशी डायरेक्टर हैं। जब मैंने ये कैरेक्टर देखा था तो मुझे दो ऑफर हुए थे एक साथ। एक था बहुत जो रोने वाली लड़की है उस पर जुल्म हो रहा है, हीरोइन टाइप रोल था, और एक था अप एंड डाउन्स जो था नेगेटिव। दैट्स वाई मैंने इसको चुना। मैंने कहा यार आई लाइक इट, कुछ डिफरेंट करूँ। अब मैं रो रो के और एक ही जैसे कैरेक्टर कर करके आप कभी कभी बोर हो जाते हैं। कुछ डिफरेंट हो जो आपको मज़ा आए करने में। और बहुत अप एंड डाउन है, बहुत ज़िद्दी लड़की है और वो स्टार्टिंग में नेगेटिव नहीं है, वो ज़िद्दी है। तो कुछ लोग जो होते हैं उससे, बल्कि मैंने ये भी सीखा कि आप ज़िद्द में आके जो करते हैं ना वो नेगेटिव हो जाता है, जबकि वो नेगेटिव एज सच नहीं है, वो ज़िद्द में आके करती है अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए। तो उसमें आके वो जो भी हरकतें करती है उसको लगता है वो सही है जबकि वो सही नहीं है। मर्द हमेशा उस औरत के पीछे ज्यादा दीवाना होता है जो उसको हासिल ना हो सके। आसान रहा काम करना जुनैद के साथ, जुनैद खान है इसमें, अली सफीना है, आप हैं, मज़ा आया काम करके, या थोड़ा सा दिक्कत होती है? बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी एक्टर्स से इतनी दोस्ती नहीं होती या डायरेक्टर से आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती। वाज दिस एन ईजी वे फॉर यू टू गो? जुनैद के साथ मैं कर चुकी थी काम, अली सफीना के साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम काम किया, लेकिन ही इज़ वेरी स्वीट कि मेरा फर्स्ट और सेकंड डे थोड़ा सा था कि हम अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम से शुरू हुआ, लेकिन फिर बहुत अच्छी बाउंडिंग हो गई थी क्योंकि हम दोनों मिलके जो है ना वो सब सारा काम ख़राब करते थे दोनों मिलके, हम ये वाला कैरेक्टर है हम दोनों का। तो उस बहुत अच्छा गया सब कुछ, माशाल्लाह माशाल्लाह। डायरेक्टर के साथ थोड़ा सा टफ था इसलिए क्योंकि अदनान साहब जो हैं वो थोड़े से अपने काम को लेके बहुत टफ हैं। बहुत सारे अगेन एक्टर्स ऐसे होते हैं जो इस फील्ड में आ जाते हैं फिर उन्हें काम मिलता है, काम पे रह के वो सीखते हैं। मुझे ये बताएं, मुझे याद है कि आप एक एक्टिंग कॉम्पिटिशन में आपने हिस्सा लिया था और उस कॉम्पिटिशन में आप जीती थी जिसकी वजह से आप टेलीविजन की तरफ आई थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। आयशा, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वो एक थिएटर था, लाइव थिएटर, और वो उससे फिल्म था, फिल्म सॉन्ग्स ये सब था। एक दिन हम फिल्म के स्क्रिप्ट का हम करते थे एक्ट और एक दिन हम डांस करते थे प्रॉपर, हमने फिल्म्स की तरह उसको शूट करना होता था। थिएटर्स लाइक हाथ चल रहे हैं, तो मैं जब फर्स्ट जब मैं आई थी तो मैं इस तरह करती थी एक्टिंग, तो पता है ये तो मुझे कहती थी एक्सक्यूज़ मी थोड़ा अच्छा होके।
आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सीखा कि आप हाथ नहीं होते, आपके सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, सारी आईज होती है. तो अब मुझे थोड़ा समझ आ गया है सब. अब मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा हाथ ना चलाऊँ. तुम्हें यहाँ देख के लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ. और अगर ये ख्वाब है ना हाजिर, तो मेरी दुआ है कि ये सारी उम्र चलता रहे. तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो. किसी तीसरे शख्स की हमारे दरमियान कोई गुंजाइश नहीं, ये बात हमेशा याद रखना. तो नाउ टेल मी समथिंग, अभी एक ख्याल ये भी होता है कि क्योंकि हम अपने काम में इतना मगन हो जाते हैं, काफ़ी मुश्किल काम भी होता है, सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप एक्टिंग कर रहे हैं. लोग ये भी कहते हैं कि एक्टर्स जो होते हैं उनको अपनी दुनिया से बाहर किसी और चीज़ का पता नहीं होता. ये किसी हद तक सही है या थोड़ा सा एक्टर्स को ज़्यादा पता होता है क्योंकि वो मीडिया का हिस्सा होते हैं, उन्हें न्यूज़ के बारे में पता होता है, करंट अफेयर्स के बारे में, या नहीं? मुझे लगता है इट्स अप टू यू, क्योंकि कुछ नॉर्मल इंसान भी होते हैं जो इस फील्ड का हिस्सा नहीं है, वो भी अपनी अपनी कभी कभी दुनिया में रहते हैं. हम उनको देखते हैं कि मैं कभी कुछ इस तरह की न्यूज़ देखती हूँ, तुम्हें पता है, मैं अपनी सिस्टर से कहती हूँ कि तुम्हें पता है अभी इस तरह हुआ उस लड़की के साथ, ऐसा शेयर से कब हुआ ऐसा. अच्छा, तो मैं कहती हूँ ये ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर होता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में या कितनी खबर रखते हैं. अब जैसे मैं हूँ, हाँ मैं न्यूज़ देखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप बाहर निकलते हैं, आप काम करते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या आप किस तरह का वेदर है या किस तरह का माहौल है. सो इस वजह से मैं ध्यान रखती हूँ. अच्छा, मुझे आदत की कोई जो ड्रामा सीरियल जिसके बारे में हम बात करें, इसकी कोई मज़े की बात बताएं जो हुई, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसके बाद आपने ये सोचा कि मज़ा भी आ रहा है लेकिन दिल चाह रहा है कि किसी एक्टर को, जुनैद को मारे, यू गेट इरिटेटेड थोड़ा सा. डिड दैट हैपन? नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि जुनैद के साथ मैंने किया, पर जुनैद बहुत ही डिफरेंट हैं. वो अपना काम करते हैं और एक कोने पर बैठ जाते हैं, तो उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ना वो किसी की लाइन में बिला वजह बोलते हैं, ना आप काम कर रहे होते तो वो कहते हैं, हाँ वो ये कह देते हैं कि इस तरह कर लो, बल्कि ज़्यादा अच्छी बात है. लेकिन वो कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करते कि ये क्या किया है, ये क्यों कर, इस तरह क्यों बैठी है, या मेरे साथ बैठो. उनके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है. अली सफ़ीना भी बिल्कुल ऐसी थे. मुझे इन लोगों से किसी से भी कोई मसला नहीं हुआ काम में, बल्कि मज़ा आया. हाँ ये था कि हम जब काम कर रहे थे, रमज़ान में काम करना इजी नहीं था. हाँ, ये मैंने सोचा कि मैं अब रमज़ान में काम नहीं करूँगी, क्योंकि रोज़े का कभी कभी टाइम हो रहा होता था और आप सीन्स कर रहे होते थे, कभी नमाज रह जाती थी. तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आप साल में एक ही टाइम तो आता है रमज़ान, तो आप उसको क्यों ना रिलैक्स होकर आराम से उसको सेलिब्रेट करें, उसको नमाज़ें तो पढ़ सकें, अपने रोज़ा अपने तरीके से सही से रख सकें. क्योंकि अभी प्यास लग रही है, कभी हम इतना काम कर रहे हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं, आउटडोर धूप में कर रहे हैं. तब बस मुझे ये रियलाइज हुआ कि अब मैंने रमज़ान में काम नहीं करना. तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो. मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो. अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो. तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो. मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो. Where do you see yourself in another 5 years? सच बताओ, मुझे बहुत लोग ये सवाल करते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हूँ, क्योंकि सच तो यही है कि कल का कुछ पता नहीं है. लेकिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और ये चलता रहा, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करूँगी, या तो फिल्म या ड्रामाज, कुछ ना कुछ ज़रूर. स्टोरी अच्छी लेना फिर
देखिएगा स्क्रिप्ट अच्छी हो इंशाल्लाह. मैं वो कुछ बनाना चाहती हूँ कि मैं अपना काम करके, अगर मैं काम मुझे वो ना मिल सका तो मैं कुछ ऐसा कुछ बनाऊं जैसे मैं आमिर खान की फिल्म्स को बहुत अप्रिशिएट करती हूं कि मुझे कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है. हाँ, तो लोगों को कोई मैसेज मिले. हाँ, कि कितनी अच्छी बात थी या कितना अच्छा एंड में समझा गई या ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था या ये कितना हमारे मसले सॉल्व हो गए. बिजनेस भी करती हैं वो फिल्म्स. बिजनेस भी करती हैं. क्यों नहीं बनाते बल्कि पाकिस्तान जिसे खुदा के लिए बनी थी. ऐसा नहीं है कि नहीं बनी, खुदा के लिए बनी. बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत अच्छी फिल्म्स थी. जो इस तरह की फिल्म्स बन रही थी उनमें आइटम नंबर्स नहीं थे. वो भी बहुत वो चल गई बहुत ज़्यादा क्योंकि स्टोरीज अच्छी थी. उस जब मुझे कॉल आती है, बुरी बात है वैसे तो, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ आइटम नंबर्स ही हमारी फिल्म्स को नहीं चलाते, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा. इस बात से मैं इसलिए भी डिसएग्री करूंगी. ठीक है हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन हम हर इंडियन फिल्म देखते हैं. देखो वो हमें हर आइटम नंबर का पता है. मुझे यही लगता है. आई थिंक आप सही कह रही हैं कि उसको शूट इस तरह से किया गया. शूट अच्छा हम शूट बेहतर कर सकते हैं. अगर हम शूट बेहतर करें तो चाहे हमारा भी इतना बुरा ना लगे. वो शूट इस तरह से नहीं होता ना. मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो कुछ और ही लग रहा होता है कि ये ठीक है लेकिन नहीं अच्छा लग रहा. बस ठीक है. सो गुड लक. आई होप कि तुम्हें अच्छी स्क्रिप्ट भी मिल जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप देख रहे हैं सोशल डायरीज. डोंट गो एनीवेयर. देयर इज स्टिल अ लॉट मोर कमिंग इन द शो. वैसे बंदे में बात तो है. हॉलीवुड का हीरो लग रहा है बिल्कुल. खूबसूरत लड़कियों के मामले में मैं गलती नहीं करता. दिल चाहता है उनसे बातें करती रहूं. तुम्हें इंसानों से नहीं ख्वाबों से प्यार है. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं सोशल डायरीज. मैं हूँ आयशा तूर. गैलरी वन में हम आपको लेकर जा रहे हैं कोयल आर्ट गैलरी में, जहाँ पे हम आपको आर्टिस्ट नायजा खान का सोलो एग्जिबिशन दिखाएंगे. Nayza is a very well-known artist, not only in Pakistan, but abroad as well. We're very excited at the opportunity to be able to see her work, and we're really happy that we can take you there and show it to you as well. So stay tuned. You're watching Social Diaries. नुमाइश में आप कुछ शहर के बारे में भी कुछ एक कंसेप्चुअल एब्स्ट्रैक्टेड आइडियाज़ देखेंगे कैसे द क्वेश्चंस ऑफ द सिटी एंड हाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट एंड थिंक अबाउट इट. और साथ साथ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन का भी एक हिस्सा है इस काम में कि एक आर्टिस्ट अपनी इमेजिनेशन के साथ कैसे आइडियाज़ आगे लेके जा सकते हैं. There is variation in scales, mediums, methods of execution, and very research-based approach towards making art. So that is one quality that I admire a lot in an artwork.
بہت مجھے خوبصورت کام لگتا ہے نائزہ کا. موضوع بہت اسٹرانگ اور اظہار بڑا دھیما. ابھی بھی ہم یہ دیکھیں کہ کراچی کا نائزہ نے منوڑا پہ سیریز کی تھی, ہمیں کچھ کراچی دیکھ رہا ہے, منوڑا دیکھ رہا ہے, پورے اس کا وہ دیکھ رہا ہے. بہت خوبصورت ایکسپریشن ہے. Come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did. Agar aap hame kuch kehna chahte hain to please do. Hamari social media pages aapko pata hai kya hain, aap un pe zarur likhein, hame bataein ki aap social diaries mein aur kya dekhna chahenge. Do cheezein thi jo main introduction mein aapko batana chah rahi thi ki agar aap apne dimag ko thoda sa kholna chahte hain, thoda intelligence level mein izafa karna chahte hain, to uske liye exercise aur acha khana khana bahut zaruri hai. اچھا کھانا کھانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہیلدی کھانا جس کے اندر سبزیاں, پھل, کاربوہائیڈریٹس, ایوری تھنگ شوڈ بی بیلنسڈ. آئی کیچ یو نیکسٹ ٹائم آن دا سیم شو ایٹ دا سیم ٹائم. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلفز. خدا حافظ. شہر کا رنگا رنگ آئینہ سوشل ڈائری.